नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, सरकार हर योजनाओं का लाभ मेरे गांव में मिला है। आनंद कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह प्रधान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सुखपुरा क्षेत्र के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि आनंद कुमार सिंह प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरे गांव में केंद्र व राज्य सरकारी योजनाएं आए और मेरे गांव में हर गरीब को लाभ मिला है। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। हर गांव में ग्राम प्रधान के विरोधी होते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, इसलिए मेरी भी बुराइयां करते हैं एक दूसरे से। मेरे गांव में खेल मैदान मिल जाए तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अपने एक पर्चे बता दीजिए। मैं आनंद कुमार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सुखपुरा। मेरी माता जी यहाँ पे प्रधान है। आपका साढ़े तीन साल कार्यकाल हो चुका है। साढ़े तीन साल में पूर्व की सरकारों में कितना योजनाओं का गांव मिला? वो पूर्व की सरकारों में जैसे पहले तो शौचालय का ये नहीं था। मोदी ये नई जो सरकार जब से आई है मोदी जी की सरकार, इसमें शौचालय का हमने काफ़ी बड़ा स्तर पर था। अभी जैसे इस लोकसभा में करीब टारगेट 2000 शौचालयों का है, जिसको करीब हमको लगता है कि 1200 से कहीं नियर हो शौचालय बनकर तैयार हो गया। और जो शेष अभी बचा है वो भी उनके पैसे हैं, जो बनाना चाहते हैं जिनका नाम है उसको जो बनवाना चाहते हैं उनको दिया। जी, आपके गांव में कितनी आवश्यक तक उपलब्ध होगी, कितनी बाकी होंगे? सूची तो करीब नियर अबाउट हमारे यहाँ 500 के आसपास हुई है, जिसमें 80 से 85 सौ मंदिर मिल गए हैं आवास गरीब लोगों को। यहाँ जितने हम सूचित के जो सूचित हैं वो कंप्लीट है, जो ओबीसी या अदर जातियों है वही सूची बाकी है। उनको लगता है नियर अबाउट अभी हमारे यहाँ 200 से 250 के आसपास। आपके गांव में जो सड़कें हो गए, नाली हो गए या अन्य कुछ समस्या है, तो क्या ये आप उनको निपटा पाए हैं अब तक? नियर अबाउट हम करीब 75% निपटा लिए, लेकिन जो मुख्य नाला है, मुख्य नाले की समस्या है, जैसे मेन रोड चौराहे से लेकर और पानी टंकी के बीच जो दोनों साइड में बड़ा नाला बनवाना है, तो हमको लगता है कि अभी इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम बहुत है। छोटे छोटे युग बना, छोटा छोटा काम इस्टीमेट बना के किया जाता है। नाला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। जी, आपके गांव में क्या भी आवश्यकता है जो गांव के विकास के लिए चाहिए आपको? तो लमसम जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे गांव में उपलब्ध हैं, जैसे मान लीजिए कि CSC हो ही गया, हॉस्पिटल हो गया, थाना है ही यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस है ही, स्कूल अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। एक यहाँ डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, तो यहाँ पे सुखपुरा क्षेत्र में इस कस्बे के अंदर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। एक दो लोगों ने अपनी आधार से लाभ नहीं रखा है, देखते हैं अगर ये हो जाएगा तो नियर अबाउट ये क्षेत्र पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। जो भी जरूरत की चीज़ें हैं यहाँ सब कुछ है। जी, आपने शायद 3 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है, क्या आपने इतने सालों में जनता संतुष्ट कर पाए हैं? और प्रयास तो आदमी अपने स्तर पर बहुत किया है कि पब्लिक संतुष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ संतुष्ट नहीं हो पाए। जैसे कोई योजना, जैसे आवास मान लीजिए आता है कि एग्जाम्पल के तौर पर, एक बार में आवास आया आपके यहाँ 10 से 20 है और लाभार्थी करीब 500 की संख्या में है। 2011 सूची के अनुसार आपको जितना आवास है आज तक जितने लोगों को मिला सब 2011 की सूची के अनुसार। अभी आपको क्या चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था आप चाहते हैं जिनको पुनः उनका आवास न मिलो मिलना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी एक तो पहले जो सूची है 2011 की सूची है वो सूची कंप्लीट हो जाए आवास से, प्लस एक नए सिरे से गांव में एक सर्वे कराया जाए कि जो भी बहुत भी यहाँ राजभर बिरादरी है, हरिजन बिरादरी है या अदर हर मतलब कास्ट में गरीब लोग जिनके पास मकान नहीं है, उनका एक सर्वे करा के एक लिस्ट बनाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया जाए। एक ग्राम प्रधान होने के नाते एक आपको हर लोगों से अलग अलग झेलनी होती है, जिसके लिए आप काम किए हैं या जिसके लिए नहीं किए हैं भी आपको झेलना पड़ता है, कितनी समस्या उठाना पड़ता है आपको? ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन भाई इसके लिए हम लोग अगर गांव में कहीं समस्या होती है तो इसके जिम्मेदार प्रधान होता है, तो गांव का पब्लिक कहाँ जाएगा, जाएगा तो प्रधान के पास ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जरूर है कि जो आप लोगों के सामने जो आदमी अपना कंप्लेन लेके आता है, अधिक से अधिक हम लोग चाहते हैं कि उसका समाधान हो जाए, हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता, जो अपने बस का होता है वो नहीं होता।
सरकार का गठन हुई है केंद्र की, क्या इसमें आपको क्या उम्मीद से लगाए बैठे हैं? उम्मीद तो मोदी से बहुत लगाए हुए हैं, हम क्या जो गांव की जो भी गरीब जनता है वो बहुत मतलब बहुत उम्मीद लगाई हुई है कि मोदी जी आएंगे तो फिर उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम।